आज के किसान बुलेटिन में हम आपको बताएंगे उड़ीसा सरकार द्वारा लिए गए बड़े फैसले के बारे में, जिसके तहत फसल बीमा योजना में 3 सालों के लिए किसानों को मिली राहत। फिर जानेंगे ड्रोन की मुफ्त ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं किसान, सरकार द्वारा दी जा रही है खास सुविधा। इसके बाद नजर डालेंगे बाजरे की खेती से मालामाल हुए किसान की कहानी पर, जिसने तुर्की बाजरे की खेती से कमाए लाखों। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी सेवक पारुल यादव और आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। भारत में किसानों की आधी से ज्यादा आबादी मौसम आधारित खेती करती है, जिसमें कई बार उन्हें कम बारिश या ज्यादा बरसात के चलते नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में इन प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा किसानों को नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, जो इस स्थिति में उनको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हालांकि इसके लिए किसानों को प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन उड़ीसा सरकार ने प्रदेश के किसानों को एक राहत देने वाला फैसला लिया है, जिसके चलते यहाँ के किसानों को अब अगले 3 सालों तक फसल बीमा का प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। एक खबर के मुताबिक सोमवार को खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण और सहकारिता मंत्री अतनु सब्यसाची नायक ने कहा है कि सरकार ने साल 2023 से 2026 तक यानी कि 3 सालों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में किसानों का हिस्सा वहन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि किसान वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल प्रीमियम राशि का 2% का भुगतान करते हैं, जो लगभग 626 रुपए प्रति एकड़ है। बाकी का राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है। वहीं उड़ीसा सरकार खरीफ सीजन 2023 से लेकर 2026 के रबी सीजन तक किसान का हिस्सा वहन करेगी। नायक ने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। खाद्य सुरक्षा योजना से कोई भी पात्र व संकटग्रस्त व्यक्ति छूटा नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में सीमांत किसानों की संख्या में 300% की बढ़ोतरी हुई है और छोटे किसानों की संख्या में 60% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। समय के साथ साथ खेती को आधुनिक बनाने की होड़ में लगे किसान, कृषि वैज्ञानिक व सरकार हर तरह से कोशिशों में लगे हुए हैं, ताकि न केवल देश में कृषि को एक बेहतरीन मुकाम पर पहुंचाया जा सके, बल्कि किसानों की आमदनी को भी बढ़ाया जा सके। इसी कड़ी में खेती में ड्रोन के इस्तेमाल का चलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। किसानों को इस ओर प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा भी सब्सिडी से लेकर मुफ्त ट्रेनिंग तक उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि किसानों का समय, मेहनत और लागत तीनों को बचाया जा सके। इस बीच खबर है कि हरियाणा सरकार ने खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए किसानों को मुफ्त ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। सरकार के इस नए कदम के तहत अभी प्रदेश भर में सिर्फ 500 युवाओं और किसानों को ही ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए किसानों और युवाओं का आवेदन करना होगा। जानकारी के मुताबिक ड्रोन की ट्रेनिंग लेने के लिए किसान की उम्र 18 से लेकर 45 साल होनी चाहिए। वहीं ट्रेनिंग लेने वाले का 10वीं पास होना जरूरी है। जरूरी बात यह है कि ट्रेनिंग लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 मई से शुरू हो गई है। जो किसान ड्रोन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो घर बैठे www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 13 जून तय की गई है। जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा सिर्फ देशी नहीं बल्कि दुनिया भर में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव पीपला के रहने वाले प्रगतिशील किसान दिनेश तेंगुरिया ने बाजरे की अत्याधुनिक तरीके से खेती कर सभी को चौंका दिया है। इस किसान ने तुर्की के खास किस्म के बीज लाकर बाजरे की खेती की है। इससे दिनेश को कम लागत में ज्यादा मुनाफा हासिल हो रहा है। खास बात यह है कि बाजरे के इस किस्म की खेती से उन्हें पानी की काफी बचत हुई है। उन्होंने अपने खेत में तुर्की से बाजरे के बीज लाकर खेती शुरू की थी। उन्होंने सादा गोल्ड नामक बाजरे की किस्म की खेती की है। ये बाजरा अपनी लंबाई के लिए जाना जाता है। इस बाजरे का तना 8 से 10 फीट लंबा होता है, जबकि इसकी बाल 4 फीट लंबी होती है। किसान दिनेश तेंगुरिया ने बताया कि सादा गोल्ड नामक बीज 2500 रुपए प्रति किलो तुर्की से मंगवाया था। 4 एकड़ में बुआई करने के लिए 20 किलो बीज की जरूरत पड़ी थी, जिसके लिए उन्हें 50,000 रुपए खर्च करने पड़े। खास बात यह है कि तुर्की वाला बाजरे की पैदावार देसी बाजरे से दोगुनी होती है। बता दें कि देसी बाजरे की पैदावार जहां 20 मन प्रति एकड़ है, वहीं तुर्की की बाजरे की ऊपर 40 मन प्रति एकड़ होती है। तो दोस्तों, ये थी खेती किसान स्टडी कुछ ऐसी खबरें जिनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में प्याज की फसल ने किसानों को रुलाना शुरू कर दिया है। प्याज के भाव अब किसानों के आंसू निकलने लगे हैं। किसानों को प्याज पर लगाई लागत के भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में किसानों की प्याज की फसल खेतों में पड़ी हुई है और किसान उसे निकालने से भी कतरा रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्याज को खेत से निकालने में भी मजदूरी लगेगी, जो कि इसकी कीमत से महंगी है। कई दिनों से पड़ रही भयंकर गर्मी के बीच हाल ही में मौसम विभाग ने नौतपा से जुड़ी अपडेट जारी की है, जिसके मुताबिक इस साल 25 मई से शुरू होने वाला नौतपा में राजस्थान के लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 23 मई से एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते 28 मई तक आंधी बारिश का दौर बना रहेगा। जबकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना जताई है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक बार फिर लंपी वायरस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मार्च में आई खबर के बाद से अब तक 1236 मवेशियों को इस रोग ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिनमें से खबर के मुताबिक अभी तक कुल 145 मवेशी अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जिसको देखते हुए एक बार फिर किसानों और पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है। बिहार में हर साल बाढ़ की खबर सुनने को मिलती है, जिसको देखते हुए इस बार बिहार सरकार द्वारा केंद्र सरकार से कोसी विकास प्राधिकरण बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई खास रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जिसको देखते हुए किसानों के बीच परेशानी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट द्वारा पहले ही राज्य सरकार की इस मांग पर मुहर लगाई जा चुकी है। बिहार के किसानों ने अपनी मेहनत से राज्य का नाम रोशन किया है। शाही लीची, मखाना, लंबी भिंडी और मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार देश का नंबर वन राज्य बन गया है। दरअसल सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना और राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके चलते किसान इस ओर अपना रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज बिहार को ये मुकाम हासिल हुआ है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।